बीजेपी विकास पर्व मना रही है, केंद्र सरकार के दो साल की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं। सिद्धार्थ जी, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि झूठा जश्न मना रही बीजेपी। अब चिदम्बरम साहब को कुछ कहना है तो इसलिए वो कह रहे हैं, विपक्ष में हैं, मगर देश देख रहा है कि ये दो साल के अंदर मोदी सरकार ने कितने काम किए। सबसे पहला तो चिदम्बरम साहब के जमाने में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जिसके अंदर ये वित्त मंत्री होते हुए भी 2G हो गया, कोलगेट हो गया, वो कहीं आज ट्रांसपेरेंट होते हुए भी 4 लाख 5 लाख करोड़ का ऑक्शन हो गया ट्रांसपेरेंट वे में। दूसरा, किस प्रकार से धर्म का इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होता, जो चिदम्बरम साहब कर रहे थे। और चिदम्बरम साहब को सबसे पहले चीज़ तो देखनी चाहिए कि वो वित्त मंत्री होते हुए भी उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया था, और आज वो अर्थव्यवस्था अरुण जेटली जी ने वापस कर दिया मोदी जी के नेतृत्व में। और पूरा विश्व देख रहा है कि भारत इस समय सबसे तेज़ी से प्रगति करता हुआ देश है, और 7.5% GDP ग्रोथ है। तो ये सब उपलब्धियाँ हैं। अब चिदम्बरम साहब को स्वाभाविक है ये सब अच्छा नहीं लगेगा। आज जो इंडिया गेट पर बड़ा कार्यक्रम है, अमिताभ बच्चन साहब उसमें शामिल हो रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक सेगमेंट है कार्यक्रम में, उसमें वो हैं। पर एक बड़ी नेक योजना है ये, चारों तरफ तारीफ हुई, लेकिन अमिताभ जी की शामिल होने को लेकर भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, कंट्रोवर्सी खड़ी की, कैसे देखते इस पूरी विवाद को? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, अमिताभ बच्चन कोई छोटे अभिनेता नहीं है, इस देश के सम्मानित और गौरवान्वित व्यक्तियों में से हैं। देश का के में से कहीं कोई बड़े नामों को लिया जाता है उसमें उनका नाम आता है, विश्व भर में उनकी लोकप्रियता कोई कम नहीं है। उसके बाद ये कांग्रेस इस प्रकार की बातचीत करे और उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। अमिताभ जी आ रहे हैं इससे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एक प्रधानमंत्री जी का जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसको वो और आगे लेके जाएं। इस देश की आवश्यकता है कि बेटियां यहाँ पे पढ़ें और बेटियों को बचाया जाए, उनको वही सम्मान मिले जो लड़कों को मिलता है। ऐसी योजना को लेके कहीं अमिताभ बच्चन जी अपनी आवाज़ जोड़ते हैं उसके साथ और ख़ुद को जोड़ते हैं, तो ये देश के लिए अच्छी बात है। सरदार जी, एक और अभिनेता हैं बॉलीवुड के, नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने कहा कि किताबों में जो बदलाव किया जा रहा है सिलेबस में वो गलत है। यानी जो एक बहस पहले बॉलीवुड से शुरू हुई थी असहिष्णुता की, वो खत्म हो गई थी, और ऐसे में जब आप विकास पर्व मना रहे हैं, इस तरह की बात करना, वो भी एक कलाकार हैं, क्या लगता है कि इसके पीछे मंसूबा क्या है उनका? देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहस ख़त्म हो चुकी है, और ये भी अब हो गया जो हम लोग कहते थे कि ये मैन्युफैक्चर्ड बहस है। फिर से उस बहस की तरफ जाना ठीक नहीं है, मगर इतना ही कह सकता हूँ कि इतिहास जरूरी नहीं है जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है। इतिहास कहीं सही लिखा जाएगा तो देश मजबूत होएगा, और देश को मजबूत करने के लिए हमारा प्रयास है कि इतिहास फिर से सही लिखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी का कहना है कि कांग्रेस बेवजह और बेबुनियाद आरोप लगा रही है, सवाल उठा रही है, केंद्र सरकार ने वाकई 2 साल में अच्छा काम किया है। और नसीरुद्दीन शाह के बयान पर उनका कहना है कि इतिहास को हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि सही तरह से लिखा जाए, और इसलिए उनके बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन मनमीत के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।